अब इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं एक्सटेंशन एंड इंटेंशन। तो टेबल और रिलेशन जो है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है इंटेंशन, एक होता है एक्सटेंशन। ये टर्म सिर्फ नए हैं लेकिन हम इसे पढ़ चुके हैं। जो रिलेशन स्कीमा हमने पढ़ा था उसे बोलते हैं इंटेंशन, और जो हमने पढ़ा था रिलेशन इंस्टेंस उसे बोलते हैं एक्सटेंशन। तो इंटेंशन में, क्योंकि ये स्कीमा होता है, टेबल स्कीमा होता है, तो उसमें क्या रहेगा, टेबल का नेम रहेगा और नेम ऑफ ईच ऑफ इट्स कॉलम, हर एक उसके कॉलम का नेम रहेगा इंटेंशन के अंदर। तो इंटेंशन को ही क्या बोलते हैं, टेबल स्कीमा। और एक्सटेंशन जो है लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल रोज ऑफ द टेबल, टेबल के अंदर जो वैल्यूज आएंगी, जो रोज आएंगी, उन्हें क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन। या आप कह सकते हो रिलेशन इंस्टेंस या टेबल इंस्टेंस, ठीक है, या डेटाबेस इंस्टेंस। तो इंटेंशन और डेटाबेस स्कीमा क्या होता है, इट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटाबेस। इट इज़ स्पेसिफाइड ड्यूरिंग डेटाबेस डिज़ाइन। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, क्योंकि एक बार आपने जो स्ट्रक्चर डिफाइन किया है वो टाइम के साथ वेरी नहीं होता है। लेस फ्रीक्वेंटली चेंज होता है जब हमें किसी एप्लीकेशन के डिज़ाइन को चेंज करना पड़ता है, तो ही रिलेशन स्कीमा या इंटेंशन को चेंज किया जाता है। तो ये टाइम से इंडिपेंडेंट होता है। इट इज़ परमानेंट पार्ट ऑफ द रिलेशन। इंटेंशन इज नॉट एक्सपेक्टेड टू चेंज फ्रीक्वेंटली, बट चेंजेस अप्लाई टू स्कीमा और इंटेंशन एज एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट चेंजेस। इंटेंशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड ए सेट ऑफ इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स। तो इंटेंशन क्या होता है, जिसमें स्ट्रक्चर रहता है टेबल का और उसके साथ साथ उसके इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स होते हैं। तो जो नेमिंग स्ट्रक्चर होता है, द नेमिंग स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ द रिलेशन नेम एंड नेम्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, नेम ऑफ एट्रीब्यूट्स विथ इट्स डोमेन नेम। तो मैंने आपको बताया था रिलेशन स्कीमा में कि रिलेशन का नाम रहता है और उसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं वो रहते हैं, ठीक है, उनके डोमेन नेम मतलब डेटा टाइप्स के साथ। जैसे यहाँ पर देखो कि अगर मुझे एक स्टूडेंट रिलेशन का इंटेंशन बनाना है, मतलब उसका डेटाबेस स्कीमा बनाना है, तो कैसे लिखते हैं, रिलेशन का नाम क्या है, यानी कि टेबल का नाम क्या है स्टूडेंट, उसमें एट्रीब्यूट क्या है रोल नंबर, उसके साथ साथ उसका डोमेन मतलब डेटा टाइप भी हम स्पेसिफाई करते हैं। और ये जो नॉट नल लिखा है, ये क्या है, इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट कि रोल नंबर की वैल्यू नल नहीं हो सकती है। एट्रीब्यूट है नेम, उसका डेटा टाइप है कैरेक्टर, मैक्सिमम कैरेक्टर्स उसमें 20 हो सकते हैं। एज जो है वो नंबर टाइप की है और उसमें 2 डिजिट्स हो सकती हैं मैक्सिमम। डिपार्टमेंट जो है वो एक कैरेक्टर टाइप का है, उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है, 4। अब एक्सटेंशन या डेटाबेस इंस्टेंस या डेटाबेस स्टेट भी हम इसे बोलते हैं, ये क्या होती है, इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ स्कीमा। एक्सटेंशन ऑफ स्कीमा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि स्कीमा ने तो सिर्फ स्ट्रक्चर बता दिया, उसमें वैल्यूज़ को स्टोर करने को क्या बोलेंगे, हमने स्कीमा को एक्सटेंड कर दिया, तो एक्सटेंड टर्म से हम कह सकते हैं एक्सटेंशन आया। ये जो है एक्सटेंशन है डेटाबेस स्कीमा का। द एक्सटेंशन ऑफ ए गिवन रिलेशन इज द सेट ऑफ टपल्स अपीयरिंग इन दैट रिलेशन एट एनी गिवन इंस्टेंस। किसी भी गिवन रिलेशन का जो एक्सटेंशन होगा वो क्या होगा, सेट ऑफ टपल्स होंगे रिलेशन में उस टाइम पर, ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम पे। जैसे मैंने आपसे कहा कि 10 बजे टेबल में कितने रिकॉर्ड्स स्टोर हो चुके हैं, कितनी रोज स्टोर हो चुकी हैं, तो उस टाइम पे उसकी इंस्टेंस अलग होगी रिलेशन की, कुछ टाइम बाद कुछ अलग होगी वैल्यूज उसमें, हो सकता है कुछ रिकॉर्ड्स बढ़ गए हों या कुछ रिकॉर्ड्स कम हो गए हों। तो एक्सटेंशन वेरीज विथ टाइम, मैंने आपको बताया था इंस्टेंस हमेशा चेंज होती रहती है टाइम के साथ, तो एक्सटेंशन वेरी होता है टाइम के साथ। द एक्सटेंशन चेंजेस एज टपल्स आर क्रिएटेड डिस्ट्रॉयड एंड अपडेटेड। तो एक्सटेंशन कब चेंज होता है, जब आप किसी टपल को क्रिएट करते हो, डिस्ट्रॉय करते हो या अपडेट करते हो, तो एक्सटेंशन भी चेंज हो जाता है, जबकि इंटेंशन फिक्स्ड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें स्टूडेंट रिलेशन एट टाइम T1, उसमें एक ही रिकॉर्ड था, एक ही टपल था। फिर स्टूडेंट रिलेशन को जब हमने एट टाइम T2 देखा, तो उसकी इंस्टेंस कितनी हो गई, 3 हो गई, उसमें 3 रिकॉर्ड्स आ गए। ऐसे ही टाइम T3 पे हो सकता है कि उसमें 10 रिकॉर्ड आ जाएं। तो एक्सटेंशन वेरी होता है टाइम के साथ, जबकि इंटेंशन वेरी नहीं होता है। इंटेंशन क्या बताता है, स्ट्रक्चर बताता है कि टेबल नेम क्या रहेगा, उसमें एट्रीब्यूट्स क्या रहेंगे, उनके डेटा टाइप्स क्या रहेंगे, उनकी साइज़ क्या रहेगी। लेकिन जो एक्सटेंशन है वो हर रिकॉर्ड की वैल्यू को स्पेसिफाई करता है कि कितने रिकॉर्ड्स इस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे डेटाबेस में
स्टोर हो चुके हैं।